हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए अप्पम लेकर के आई हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट बनता है और काफ़ी हेल्दी होता है। इसको आप कम ऑयल में बना सकते हैं। इसके लिए मैंने एक बड़ा गाजर लिया है, उसको कद्दूकस कर लिया है। एक बड़े प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। 4 से 5 लहसुन की कलियाँ आपको छील करके लेनी है। साथ ही मैंने 2 कटोरी सूजी का मैं एक बाउल में डाल रही हूँ, और आपको इसमें 2 से 3 बड़ा चम्मच आपको दही ऐड करना है। और इसी में मैं पानी डाल करके, ताकि जो बची हुई दही है उसको मैं इसमें ऐड कर सकूं, इसलिए मैंने पानी डाल करके इसमें दही का एक पतला सा इसका पेस्ट आपको बना बना लेना है। बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं चाहिए, क्योंकि सूजी पानी काफ़ी सोखता है, तो आपको पानी इसमें और ऐड करना पड़ेगा। ये देखिए, इसका एक पेस्ट ये बिल्कुल रेडी है। उसमें साथ ही मैंने जो गाजर कसा हुआ है इसमें डाल दूंगी, और उसके साथ मैंने जो शिमला मिर्च काट के रखा हुआ है बिल्कुल महीन, उसको इसमें ऐड करना है। और एक बड़ा प्याज का जो महीन बारीक काटा हुआ है उसमें मैं डाल दूंगी। ये बहुत हेल्दी होता है, और साथ ही धनिया की पत्ती, और काफ़ी कम ऑयल में बनता है। तो आप इसको अपने ब्रेकफास्ट में शामिल कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार मैं इसमें नमक ऐड कर देना है। और साथ ही मैंने जो 4 से 5 लहसुन की कलियां ली हैं, आप उसको अच्छे से कूट लीजिए। इसका पेस्ट नहीं बनाना है, हल्का सा क्रश करना है, इसलिए मैंने ये क्रश किया है। 1 चम्मच के करीब में मैंने जो लहसुन का पेस्ट है वो मैंने ऐड कर दिया है, और आपको अच्छे से इसको मिला लेना है। ये काफ़ी गाढ़ा है, तो आप इसके आवश्यकता अनुसार आपको थोड़ा पानी इसमें ऐड कर लेना है, और आपको एक थिक पेस्ट बना लेना है। ये काफ़ी स्वादिष्ट बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। और अगर आपको ये रेसिपी बनाते हैं तो प्लीज़ उसको कैसा बना है तो ये कमेंट करना ना भूलिए। साथ ही इसमें आपको इनो ऐड कर देना है। और मैंने एक पैन में इसमें तड़का लगाने के लिए मैंने मस्टर्ड ऑयल 2 चम्मच डाला है, और साथ ही आधा चम्मच के करीब मैंने जीरा ऐड किया है, आधा चम्मच के करीब मैंने राई ऐड किया है, और आपको मिर्चा ऐड करना है 2, और साथ ही आपको जो है करी पत्ता लीव्स जो है उसको ऐड डालना है, और इसका आपको हल्का सा कलर चेंज होने तक आपको तड़का लगाना है, और आपको ये तड़का उसी पेस्ट में डाल देना है। इससे इसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये मेरा पेस्ट रेडी है बनने के लिए। इसमें मैंने आधा पैकेट इनो ऐड कर दिया है, ताकि मेरा जो है ये अप्पम काफ़ी फूला फूला बने। और अब मैंने गैस पर अप्पम मेकर को रख दिया है। आपको मीडियम फ्लेम पर ही इसको रखना है, और इसमें मैंने ऑयल हल्का सा, आपको हर खाने में आपको ऑयल डालना है, थोड़ा थोड़ा आपको ऑयल ऐड करना है। और ये काफ़ी क्रंची और अच्छा बन सके इसके लिए मैंने इसमें थोड़ा सा राई, हर खाने में इसमें ज़रा ज़रा सा आपको राई ऐड करना है। इससे इसका अप्पम काफ़ी स्वादिष्ट बनता है। ये काफ़ी हेल्दी है, और अगर आप ऑयल से परहेज कर रहे हैं तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल बटन दबाना ना भूलिए। मैंने हर खाने में एक स्पून की सहायता से मैंने ये खाने में अप्पम का पेस्ट डाल दिया है, और आपको इसको ढक करके रख देना है। ये बहुत जल्दी बन जाता है। 5 मिनट में आप इसको ओपन करेंगे तो देखेंगे कि ये अप्पम बिल्कुल रेडी है। तो आप इसको पलट देंगे, और अगर आप बिल्कुल क्रंची करना चाहते हैं तो इसके ऊपर हल्का सा ऑयल और डालकर आप ढक करके 5 मिनट और रखेंगे। आपको ये चेक करते रहना है, क्योंकि अप्पम बहुत जल्दी बन जाता है कि ये पक गया है या नहीं। आप देख सकते हैं कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, और ये बिल्कुल रेडी है। थोड़ा सा मैं 5 मिनट और रखूंगी इसको लो फ्लेम पर, और ये काफ़ी क्रंची लगता है, स्वादिष्ट लगता है। अब ये देखिए, मेरा बिल्कुल अप्पम रेडी है,
और ये काफ़ी फूला हुआ स्वादिष्ट लगता है। प्लीज इसको ट्राई ज़रूर करिए और मेरे वीडियो को लाइक।